हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज चौहान, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर इन जयपुर। आज हम बात करेंगे व्हाट इज पकरिंग एंड व्हाट इज टंग स्लैपिंग ऑन हारमोनिका। टंग स्लैपिंग और पकरिंग किस तरह से की जाती है वो मैं आज आपको बताऊंगा, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा और आपको बजा के भी दिखाऊंगा कि दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पकरिंग अच्छा लगा या फिर पकरिंग प्लस टंग स्लैपिंग। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे पकरिंग की। देखिए, जिस तरह से हम गिटार पे एक टाइम पे एक सुर बजाते हैं उसको हम कहते हैं लीडिंग, उसी तरह से हम जब हारमोनिका पे एक टाइम पे एक सुर बजाते हैं उसको कहते हैं पकरिंग। लकड़ी की काठी में आपको पकरिंग फॉर्मेट में बजा के दिखाता हूं। ये था पकरिंग फॉर्मेट। और जब हम टंग स्लैपिंग करते हैं तो उसमें मैं अपना टंग के साथ में हारमोनिका के आगे के तीन होल के ऊपर हैमर करता हूं, टंग से स्लैप करता हूं। और वो स्लैप जो है वो रिदम में होता है, गाने के अकॉर्डिंगली वो मैं टंग के साथ स्लैप करता रहता हूं। और उसमें जिस तरीके से हम पियानो पे राइट हैंड से लीडिंग करते हैं और लेफ्ट हैंड से हम कॉर्ड्स देते हैं एज अ फिलिंग, तो वैसी ही भरावट के लिए जो है वो मैं अपना टंग के साथ में जो मेरा कॉर्ड फॉर्मेट है, जैसे पियानो पे हम कॉर्ड्स बजाते हैं लेफ्ट हैंड के साथ में, ठीक है, जो राइटीज हैं, ठीक है, वो राइट हैंड से गाने का लीड निकालेंगे और लेफ्ट हैंड से वो कॉर्ड्स देंगे। तो वो जो कॉर्ड्स डिपार्टमेंट है वो मैं अपने टंग के साथ में हारमोनिका के ऊपर करूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बजा के दिखाता हूं कि टंग स्लैपिंग पे अगर मैं लकड़ी की काठी बजाऊंगा तो क्या साउंड करेगा वो। और जब मैं बजाऊंगा तब आपको पता नहीं पड़ेगा कि मेरे मुंह में क्या हो रहा है, मगर बजाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि मैं क्या करूंगा टंग स्लैपिंग करने के लिए। ठीक है, मैं अपना टंग को जो है वो लेफ्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है, और जो ये मेरी खाली जगह है राइट में जहां पर मैं अपना फिंगर से शो कर रहा हूं, ठीक है, ये जगह से मैं पकरिंग करूंगा और वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, धिक चिक धक धिक चिक धक धिक चिक धक। तो ये जो है वो मैं अपनी जीभ के साथ में जो है वो कॉर्ड्स दूंगा, ठीक है, पकरिंग के साथ में। गाना तो हमें सुनाई देगा लेकिन उसके साथ में मैं कॉर्ड्स भी दूंगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको पकरिंग और टंग स्लैपिंग में डिफरेंस समझ में आया होगा कि पकरिंग कैसा साउंड करता है, और पकरिंग के साथ में जब हम टंग स्लैपिंग करते हैं तो सोने पे सुहागा। फिर भी फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको पकरिंग फॉर्मेट अच्छा लगा या फिर पकरिंग विद टंग स्लैपिंग फॉर्मेट अच्छा लगा। बस आज मैं आपके सामने इन दोनों का डिफरेंस मैं बताना चाहता था कि पकरिंग क्या है और टंग स्लैपिंग क्या है, और दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो कैसे साउंड करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अब तक आपने मेरा म्यूजिक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन के साथ मेरा म्यूजिक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।